गाइज वी आर बैक विद आवर न्यू वीडियो। ये हमारी ड्राइंग सीरीज की दूसरी वीडियो है जिसमें मैं शेडिंग करके आपको बुलबुल बनाना सिखाऊंगा। तो इसमें मैं आपको एसेंशियल बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन सी पेंसिल यूज करनी है। एक्चुअली आपको ये बुलबुल नहीं लग रही होगा पर एक्चुअली है ये बुलबुल। तो बुलबुल बहुत सारी तरह की होती है। इसमें जो होती है हिमालयन बुलबुल होती है जिसकी स्पाइक्स कर्व्ड होती है, पर जो रेड वेंटेड बुलबुल होती है इसकी स्पाइक्स कर्व्ड नहीं होती है। तो मैंने आज वही बनाई है रेड वेंटेड बुलबुल। तो स्टार्ट करेंगे हम इसकी बीक से। तो जो इसकी बीक है इसमें हमने 8B यूज किया है बाहर से लाइनिंग के लिए, 6B यूज किया है, यहाँ पे 4B और 6B का मिक्सचर है। फिर इसके जो स्पाइक्स हैं इसमें हमने बाहर से आउटलाइनिंग की है एब्सोल्यूट पेंसिल से, अप्सरा एब्सोल्यूट और सिंपल 6B की पेंसिल से। पेंसिल के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, आप उसे भी प्रेफर कर सकते हैं। पहले जो इसकी आंखें मेन है क्योंकि यही इसका लुक दे रही है कि ये एक बुलबुल है। तो इसकी आंख पे जो आपने यूज करना है वो है 6B और 8B। बाहर से 6B करोगे और अंदर से 8B करोगे और बीच में एक जगह पे वाइट छोड़ दोगे। फिर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे जस्ट आंख के ऊपर यहाँ पे 6B यूज किया हमने, 6B यूज किया है और 8B का मिक्सचर है इसमें। फिर फेदर्स नीचे लेते जाएंगे तो पेट के देखेंगे आप, बाहर से सारी आउटलाइन 8B और सिंपल पेंसिल से की है। वो आप अपने हिसाब से अपने कंफर्ट से जो चाहें आप उससे कर सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ देखें बीक के जस्ट नीचे कि यहाँ पे 10B और 8B यूज किया है और पीछे आते हुए 6B यूज किया है और यहाँ पे 4B यूज किया है। फिर यहाँ से नीचे आएंगे तो यहाँ पे डार्क पेंसिल से शेड की है, यहाँ पे अंदर जो फेदर्स के अंदर है ये हमने 6B और 4B का यूज की है, पर जो बाहर के आउटलाइनिंग है यहाँ पे हमने डार्क पेंसिल 10B और 8B का यूज किया है। अगर आप चाहें तो आप सिंपल पेंसिल भी यूज कर सकते हैं इसको बनाने के लिए। पूरे नीचे तक आपको फेदर्स आने हैं, फिर फेदर्स यहाँ से हो जाएंगे। फिर यहाँ से इसके टेल के देखें तो टेल हमने आधी छोड़ दी है। अगर आपको कोई इसका हिस्सा टफ लगे तो आप हिस्सा भी आधा छोड़ सकते हैं इसका, अगर आपके कागज में फिट नहीं आ रहा है या आपको टफ लग रहा है। पर आपके लिए इसको कंडीशन यह है कि आपको नीचे तक लाना है जिससे इफेक्ट देखे ये कागज से बाहर चले गया। फिर इसके अगर हम पैर देखें तो पैर के यहाँ पे हमने सिंपल पेंसिल से पैर बनाए हैं आउटलाइनिंग, फिर अंदर शेड 4B और 10B की यूज की है। यहाँ पे हमने H और 2B का मिक्सचर यूज किया है, यहाँ पे F और H का मिक्सचर यूज किया है। तो गाइज ऐसे करके पूरी ये बुलबुल बन जाएगी। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, सी यू सून।